हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड आज के इस लेक्चर में हम अपना कमेंट एंटिटी देखने वाले हैं। हमने अभी तक सबसे पहले हमने बनाया था यूजर एंटिटी, जो कि ये रहा हमारा यूजर एंटिटी। एंड इसके बाद हमने अपना कैटेगरी एंटिटी बनाया था, जो कि हमने इसके भी जितने सारे API थे, जो भी हमारा क्रड ऑपरेशन था, वो सारी चीज़ें हमने कम्प्लीट कर लिया था। एंड द लास्ट में हमने बनाया था अपना पोस्ट एंटिटी। एंड पोस्ट एंटिटी के भी अंदर जितने सारे हमारे कंट्रोलर थे, जो भी हमें API कंप्लीट करनी थी, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड अब हम लास्ट में देखने वाले हैं अपने कमेंट एंटिटी। तो कमेंट एंटिटी में मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि कमेंट एंटिटी हम लोग कंप्लीट करने के लिए मैं बताया था कि हम एक कमेंट एंटिटी बनाएंगे, जिसमें हम कमेंट की ID लेंगे एंड कमेंट मैसेज, दो चीज़ हमें एट्रीब्यूट मिलेंगे। एंड उसके बाद हम इन दोनों पोस्ट में और कमेंट में एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे कि एक पोस्ट के पास वन पोस्ट हैव मेनी कमेंट, यानी कि एक पोस्ट के पास बहुत सारे कमेंट हो सकते हैं। एंड अगर इसको रिवर्स में अगर इसका रिलेशन देखें तो एक मेनी कमेंट हैव वन पोस्ट, यानी कि एक मतलब बहुत सारे कमेंट एक पोस्ट पर हो सकते हैं। तो चाहे हम ऐसे बोलें या फिर ऐसे बोलें, बात तो एक ही है, क्योंकि एक पोस्ट पर बहुत सारे कमेंट हो सकते हैं, और उसी को हम रिवर्स में बोल रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट एक पोस्ट पर हो सकते हैं। तो हमें अगर पोस्ट और कमेंट के बीच में जब रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे नोटेशन का यूज करेंगे वन टू मेनी, एंड सेम एज इट इज अगर हम मेनी टू कमेंट और पोस्ट के बीच में जब रिलेशन बिल्डअप करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे मेनी टू वन। तो ऐसा कुछ हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपनी एंटिटी में, और एंटिटी के अंदर एक क्लास और बनाते हैं जिसका नाम होगा इस बार कमेंट। तो कमेंट करते हैं, एंड कमेंट में हमें क्या करते हैं, हमें दो चीज़ लेना है, एक ID लेना है और एक मैसेज बोलें या फिर कंटेंट बोलें, हमें दो चीज़ लेना है। तो मैं पहले ले लेता हूँ प्राइवेट इंट ID। तो मैंने पहले ID ले लिया, एंड सेकंड वन हमें लेना है प्राइवेट, इस सेकंड वन को हम कंटेंट ले लें या फिर मैसेज ले लें। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग के फॉर्म में इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, जो कि कैपिटल में होगा स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंटेंट। तो ये रहा हमारा कंटेंट। तो दो चीज़ हमने ले लिया, कमेंट में बस दो ही चीज़ लेना है, एंड हमें इसको डेटाबेस में एक टेबल बनानी है, तो ऑब्वियसली हमें एंटिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एंटिटी ले लिया, एंड बाकी जो हमारा गेटर सेटर है मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरा गेटर हो गया, एंड इसको मैं सेटर कर लेता हूँ। तो मैंने सेटर भी कम्प्लीट कर लिया, एंड अगेन हमारा ओला कंस्ट्रक्टर, ये रहा हमारा ओला कंस्ट्रक्टर। एंड इसके बाद हम यूज करेंगे नोवा कंस्ट्रक्टर, एंड देन एक लास्ट में यूज कर लेते हैं टू स्ट्रिंग, एंड ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसका हम नेम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि एंटिटी है, तो एंटिटी में अगर हम चाहते हैं इसका नेम जो हमारा कमेंट है, ये कमेंट ना हो कमेंट्स बने, बट यहाँ पे कमेंट रहना चाहते हैं, बट टेबल का नाम चाहते हैं वो कमेंट हो जाए, तो बस हम टेबल एनोटेशन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम जो भी नेम चाहते हैं वो नेम हम पास कर देंगे। तो ऐसे नहीं होगा, हम नेम के अंदर पास करेंगे, वेट, नेम के अंदर पास करेंगे जो भी हमें रखना है। तो मैं चाहता हूँ कमेंट से टेबल बने हमारा, तो कमेंट से हमारा टेबल बन जाएगा। एंड इसको मैं ID को कर देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा ID, जो कि हमारा प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा। एंड सेकेंड वन हम जनरेटेड वैल्यू यूज कर लेंगे, तो जनरेटेड वैल्यू, एंड इसके अंदर हमें पास कर देना है अपना स्ट्रेटजी, एंड देन इसके बाद हम पास करेंगे अपना जनरेशन टाइप ऑटो। तो ये हमारा जनरेशन, ये हमारा आइडेंटिटी, ऑटो नहीं, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ताकि हमें लीनियर एक एक करके हमें ऑटोमेटिक डेटाबेस में जो हमारा ID है वो क्रिएट होता रहे। तो यहाँ पर मैंने ID यूज कर लिया, एंड अगेन इसके बाद हमें यहाँ पे कंटेंट में हमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम चाहते हैं हमारा कमेंट में, अब ये जो कमेंट है, तो इस कमेंट के अंदर हमारा ID हो गया, कंटेंट हो गया, अब ये कमेंट जो है ये किस पोस्ट का है, तो हमें एक पोस्ट एट्रीब्यूट भी लेना होगा, ताकि पता चले कि जो हम कमेंट कर रहे हैं वो किस पोस्ट के अंदर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर लेने वाले हैं प्राइवेट, एंड प्राइवेट लेने के बाद यहाँ पे हम पोस्ट ले लेंगे, जो कि हमारा पोस्ट एंटिटी से आ रहा होगा, एंड अगेन एक पोस्ट ले लेंगे, एंड इसको क्लोज कर देंगे। तो हमने यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट कर लिया, एंड यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद
तो हमने यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट कर लिया। एंड अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कमेंट, ये हमारा कमेंट है, तो यानी कमेंट के अंदर कौन सा पोस्ट के अंदर हम कमेंट करने वाले हैं, इसलिए हमने ऐसा कर लिया है। और अगर हम चाहते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा पोस्ट है और ये हमारा कमेंट है, तो एक पोस्ट के पास कई सारे कमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कमेंट आईडी, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई हैं। तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल, तो हमने जैसे कमेंट के अंदर हमने पोस्ट ऐड किया था एग्जैक्टली वैसे ही पोस्ट के अंदर हमें कमेंट ऐड करना पड़ेगा। और पोस्ट और कमेंट के बीच में 1 to many लिखेंगे और कमेंट और पोस्ट के बीच में 1 to many लिखेंगे। तो चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, एंड जो हमारा पोस्ट है इस पोस्ट के अंदर भी हमें कमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं अपने पोस्ट में, एंड जैसे कि हमने कमेंट के अंदर हमने पोस्ट ऐड किया एग्जैक्टली वैसे पोस्ट के अंदर हमें कमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पोस्ट एंटिटी, एंड पोस्ट एंटिटी के बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे कमेंट भी। तो प्राइवेट, एंड प्राइवेट में हम सेट ऑफ कमेंट लगेंगे ताकि इस ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के अंदर कई सारे कमेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम सेट ले लेते हैं। एंड सेट के अंदर हम कमेंट पास कर देंगे, तो ये हमारा सेट ऑफ कमेंट हो गया। एंड इसके बाद इसको सेट को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, एंड इसके बाद मैं कर लेता हूँ कमेंट्स, एंड कमेंट्स के बाद मैं कर लेता हूँ न्यू, एंड जो हमारा हैश सेट है इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया, एंड इसको सिंपल हमें बस इंपोर्ट कर लेना है, इसको क्लोज करेंगे एंड इसे सिंपल हमें इंपोर्ट कर लेना है। ऑल टिंडर से इंपोर्ट हो गया। तो जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था, अब मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, जो हमारा कमेंट है कमेंट और पोस्ट के बीच में 1 to 1 होगा, और पोस्ट और कमेंट के बीच में यानी कि 1 post have many comment, तो यहाँ पे इधर से 1 to many होगा और उधर से 1 to 1 होगा। तो सिंपल आ जाते हैं, ये हमारा पोस्ट है एंड ये हमारा कमेंट है, तो पोस्ट और कमेंट के बीच में हमारा 1 to many होगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ 1 to many, तो ये हमारा पोस्ट के लिए यानी कि एक पोस्ट के पास कई सारे कमेंट हो सकते हैं। तो अगर मैंने इधर 1 to many यूज किया है तो हमें उस साइड में यानी कैटेगरीज के पास कमेंट के पास 1 to 1 करना पड़ेगा। तो सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कर लेंगे 1 to 1, तो इधर हमारा 1 to 1 हो गया। एंड इसके बाद से हम पोस्ट में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी वैल्यू हम ऐड करेंगे, जैसे कि मैपेड, जो हमारा मैप हो ये हम चाहते हैं ये हमारा पोस्ट से मैप हो, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे पोस्ट कर देंगे। एंड इसके बाद हमें सीधा कैस्केड जो स्टाइल होता है उसे ऐड कर देना है, तो कैस्केड और इसके अंदर पास करेंगे कैस्केड टाइप एंड सिंपल डॉट ऑल। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, इसको शायद सी होगा, इसको मैं हटा लेता हूँ, तो अभी ठीक है। तो इतना हो गया, और इतना होने के बाद आप कम्प्लीटली देख सकते हो ये हमारा जो भी रिलेशन था वो रिलेशन हमने बिल्डअप कर लिया जैसा हमने डायग्राम में बताया था। ये रहा हमारा पोस्ट और ये रहा कमेंट, तो पोस्ट और कमेंट के बीच में ये 1 और ये मेनी, तो 1 to many होगा। तो ये रहा हमारा पोस्ट और ये रहा हमारा कमेंट, तो पोस्ट और कमेंट के बीच में हमारा है 1 to many। और एग्जैक्टली वैसे ही जो हमारा पोस्ट है, ये हमारा पोस्ट है, एंड जो कैटेगरीज में आएंगे, तो यानी एक कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी नहीं कमेंट, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, और कमेंट और पोस्ट के बीच में क्या होगा, 1 to 1 होगा। तो हमने वैसे ही किया है, जो हमारा कमेंट है कमेंट और पोस्ट इन दोनों के बीच में 1 to 1 होगा। तो ये रिलेशन बिल्डअप हो चुका है, एंड सिंपल हम इसको रन करेंगे तो हमारे डेटाबेस में एक टेबल बन जाएगी, और जो हमारा कमेंट टेबल होगा यानी कि जो हमारा ये कमेंट टेबल है इसके अंदर आईडी होगा, आईडी नाम से टेबल बन, उसमें आईडी मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, यानी कि पोस्ट नेम से भी कॉलम बन जाएगा। तो ये हम कमेंट के अंदर हम पोस्ट नाम से टेबल बनाना चाहते हैं, ये कैसे होगा, यानी कि पोस्ट की एक आईडी आ जाएगी, मतलब कि जैसे ये हमारा कमेंट है तो ये एक कमेंट की आईडी होगी, ये कंटेंट होगा, और ये होगा पोस्ट, यहाँ से पोस्ट की आईडी आ जाएगी।
तो डेटाबेस हम चाहते हैं कि जो हमारा कमेंट वाला टेबल बने इसी में, ये जो फॉरन की है वो इसी इसी में बने। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा पोस्ट एंटिटी है इसीलिए हमने जो मैप डाई का यूज किया, इसीलिए हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। एक मिनट, तो अगर यहाँ पे अगर पोस्ट है और यहाँ पे ये सेम होना चाहिए, तो हम सिंपल क्या करते हैं इसको भी पोस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पोस्ट हो गया एंड ये भी हमारा पोस्ट हो गया। हाँ, तो अब ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि कमेंट जो हमारा टेबल बने उसमें एक आईडी से टेबल हो, यानी कि कमेंट की आईडी हो, और ये कमेंट का जो कंटेंट हो वो कंटेंट यहाँ पे टेबल में ऐड हो, और एक चाहते हैं जो पोस्ट की आईडी है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम चाहते हैं जो हमारा कमेंट टेबल बने, जो फॉरन की बने, वो पोस्ट की आईडी हमें इसी कमेंट टेबल में बने। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, जो हमारा पोस्ट है ये मैप बाई है, इसको मैंने पोस्ट ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो मैंने ये पोस्ट पास किया है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि हमारा जो कमेंट टेबल है इसके अंदर पोस्ट की आईडी से भी हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल हमने यहाँ तक कर लिया, एंड सिंपल हमें अभी से रन करके देखना है कि हमने जैसा सोचा है कि हमारे डेटाबेस में ऐसा टेबल बनेगा वाकई वैसा टेबल बन रहा है या नहीं। तो सिंपल इसे हम रन कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने ब्लॉग एप्लीकेशन में, एंड यहाँ आने के बाद इसे मैं सिंपल रन कर लूँगा एंड देखते हैं हमारा ये रन हो जाता है या फिर कोई एरर आता है। अगर एरर आएगा तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे एंड देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर एरर नहीं आती है तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल देखते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा टॉम कैट है वो स्टार्ट हो गया 9292 पे, एंड ये हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन है जो कि स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप अगर ध्यान दो तो देखो यहाँ पे एक टेबल बनी है, एक टेबल बनी है क्रिएट ए टेबल, यानी कि एक टेबल बनी है जिसका नाम है कमेंट्स, एंड कमेंट में आईडी है जो कि नॉट नल है, ऑटो इंक्रीमेंट है, कंटेंट बनी है, एंड हमारी पोस्ट की आईडी बनी है, और प्राइमरी की क्या है हमारी आईडी है, ठीक है, यानी कि ये आईडी प्राइमरी की है। एंड और फिर हमारा टेबल एक अल्टर हुआ है जिसका एक दिखा रहा है फॉरन की, और फॉरन की क्या आया है हमारा पोस्ट, पोस्ट आईडी यानी कहाँ से आ रहा है, पोस्ट की आईडी हमारा यहाँ पे फॉरन की तरह एक्ट करेगा। तो देख सकते हो एग्जैक्टली हम जैसा चाहते थे वैसा क्वेरी फायर हुआ है, एंड अगर हम अपने डेटाबेस में चेक करें तो एग्जैक्टली हमें वही वैल्यू मिलेगी। तो चलते हैं अपना डेटाबेस ओपन करते हैं एंड देखते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम अपना डेटाबेस ओपन कर लेंगे। तो मैं अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करता हूँ, एंड ये रहा हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच। एंड ये हमारा ओपन हो गया, एंड इसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन है जिसमें हमने सारा टेबल बना रहे हैं, तो ये हमारा मेन डेटाबेस है। एंड इसके अंदर टेबल में आएंगे तो आप देख सकते हैं कमेंट्स नाम से एक टेबल और क्रिएट हो चुका है। ये हमारा पोस्ट है जो कि हम पहले काम कर रहे थे पोस्ट पे, और यहाँ पे जो हमारा कमेंट है तो यहाँ पे अब कमेंट भी आ चुका है जिसके अंदर एक आईडी है एंड एक कंटेंट है एंड पोस्ट की आईडी है। तो ये पोस्ट एंड फिर अगेन पोस्ट आईडी, ये कैसे आ रहा है ये मैं बता रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, इसको मैं थोड़ा और करता हूँ एंड आ जाते हैं अपने पोस्ट एंटिटी में, पोस्ट नहीं कमेंट। तो ये रहा हमारा कमेंट, तो कमेंट ये आईडी जनरेट हुआ एंड कंटेंट जनरेट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ पोस्ट और पोस्ट की आईडी। तो ये जो हमारा पोस्ट एंटिटी है वो मेन पोस्ट वो आ रहा है एंड देन पोस्ट की आईडी आ रहा है। हालांकि अगर हम चाहें तो ज्वाइन कॉलम यूज करके मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कॉलम यूज करूँ, और अगर मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ, वेट ज्वाइन कॉलम, एंड अगर इसके अंदर मैं पास कर दूँ और इसका नेम में कर देता हूँ मैं पोस्ट आईडी, तो यहाँ पे मैं सिंपल पोस्ट करता हूँ एंड आईडी करता हूँ, तो या फिर मैं ऐसा करता हूँ वो खुद डिटेक्ट कर लेगा। तो मैंने पोस्ट आईडी कर लिया, तो इस बार नेम चेंज हो जाएगा। अगेन आते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन में एंड इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ वरना ये फिर एरर क्रिएट करेगा। तो ये हमारा कमेंट है, कमेंट को ड्रॉप टेबल करता हूँ एंड इसे ड्रॉप कर लेता हूँ, एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कमेंट गायब हो गया। तो अगेन आते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया में, ब्लॉग एप्लीकेशन के पास आते हैं एंड इसको सिंपल रन कर देंगे।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्टार्ट हो गया है। एंड एक बार ये जैसे ही रन हो गया हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। एंड अगेन आते हैं डेटाबेस में एंड इसको मैं हटाता हूँ इसको, और एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा। कमेंट दोबारा आ गया, कमेंट को ओपन करूँगा तो इस बार देखो आईडी आ गया, कंटेंट आ गया, पोस्ट आईडी आ गया। तो एग्जैक्टली मतलब मेरे कहने का मतलब ज्वाइन कॉलम में हम जो चीज़ लिख देते हैं उस नेम से हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है। तो कमेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हमने देख लिया कि जैसे कि हमारा ये कमेंट है तो कमेंट हमारा एंटिटी की वजह से है, ये एंटिटी, ये रहा एंटिटी, एंटिटी की वजह से हमारा कमेंट में टेबल बन गया इस एंटिटी की वजह से। एंड इस टेबल का नाम बन गया कमेंट्स क्योंकि हमने नेम यूज किया था कमेंट्स। एंड एक आईडी बन गया, एक कंटेंट बन गया। तो दो टेबल तो मैं दिख रहा है, एक आईडी और एक कंटेंट। और इसका जो टेबल बन रहा है इसका मैंने क्या कर दिया था, पोस्ट रखा था, उसका नेम चेंज कर दिया था पोस्ट आईडी। तो यहाँ पे सिंपल पोस्ट आईडी हो गया। तो यहाँ तक चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। एंड इसके बाद हमें क्या करते हैं, अपने मेन प्रोग्राम में आते हैं। एंड हमने अभी तक बस दो ही चीज़ किया है, दो चीज़ नहीं, हमने बस एक ही किया, यानी कि बस अपना कमेंट एंटिटी देखा है। तो कमेंट के लिए जो हमारा रिपोजिटरी है, हम अपना रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे एंड अगेन उसका कमेंट का डेटा क्रिएट करेंगे एंड देन उसका सर्विस एंड सर्विस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम को कम्प्लीट करते हैं और अपना जो भी कमेंट का जो भी API है उससे हम कम्प्लीट करते हैं।